गांव की सिलाई में स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, लेकिन साथ में ही आज हम पूरी ब्लाउज की कटिंग आपको नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए यहाँ पर खास करके जब हम हैवी साड़ी या फिर महंगी साड़ी लेते हैं तो इस तरह के ब्लाउज हमें मिलते हैं बनाने के लिए। तो इस तरह के ब्लाउज जब मिलते हैं तो वो छोटी बड़ी सभी साइजों के लिए रहते हैं, तो हमें मुश्किल हो जाता है कि इस तरह के ब्लाउज में हम गले को किस तरह सेट करें और किस तरह कटिंग करें कि हमारा पहनने पर ब्लाउज परफेक्ट आए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपका ब्लाउज, आप कैसा भी ब्लाउज मतलब साड़ी के साथ आपका ब्लाउज निकलता है वो तो सभी साइज के लिए यहाँ पर बनाने के लिए दिया है, लेकिन हम अपने साइज का अपने हिसाब से हम ब्लाउज के गले को कैसे ठीक करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसकी लंबाई नाप कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें तैयारी लंबाई बनानी है 14 इंच। तो यहाँ पर पूरा सिलाई मार्जिन मतलब निकाल कर यहाँ पर परफेक्ट हमें ब्लाउज की लंबाई 14 इंच बनानी है। तो सिलाई मार्जिन लेते हुए हम 15 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम 34 साइज के लिए ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अब हम इसको नाप लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा खुला वाला भाग रहेगा 9 इंच इस तरह। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पर 2.5 इंच की पट्टी निकालनी है दोनों साइड से, इस साइड से भी इस साइड से। अब इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। जहां पर हमारा कढ़ाई वर्क है उसे बराबर लेते हुए हमें फोल्ड करना है। अच्छे से आपको सेंटर मिलाते हुए कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहां पर हमने सेंटर को मिला लिया है। अब हम इसकी नाप करते हैं। तो ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड हो गया है। तो यहां पर देखिए 7 इंच का हमारा ये डबल करने पर शोल्डर है, यानी कि 7 इंच एक भाग है, दूसरा भाग 14 इंच का यहाँ पर शोल्डर दिया है। तो अगर हम पूरे 14 इंच पर कटिंग करेंगे तो हमारा जो ब्लाउज के कंधे हैं बार बार उतरने लगेगा। तो इसलिए देखिए इसकी हम कटिंग करना आपको बताते हैं। तो यहां से हमें इस तरह देखिए गले के सेंटर को यहाँ पूरा गहराई से हमें नहीं फोल्ड करना है, इस तरह हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए इस तरह हम यहां से पिन पिन को फंसा देंगे। पहले फंसाने के बाद अब देखिए हम इसका हम नाप करते हैं शोल्डर का। तो यहां पर देखिए ये देखिए 6.25 इंच हमारा आ रहा है। तो हमें 6.25 इंच एक भाग शोल्डर की कटिंग करनी है। अब इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा अस्तर है, इसको खोल लेते हैं। इस तरह हमने कपड़े को फैला लिया है। अब यहां से देखिए कपड़े को छोटा बड़ा हमने किया है। अब यहां पर हमारी लंबाई 14 इंच है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 15 इंच। और चेस्ट हमारा 32 का है, 32 का दूसरा भाग 16 इंच। यहां से हम 3 इंच बढ़ा देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहां तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहां से इसको काट कर निकाल देते हैं। अब हमने कपड़े को बराबर कर लिया है। अब यहां पर 32 का एक भाग हमें निकालना है 8 इंच। अब यहां हमारा सिलाई मार्जिन है। अब हम शोल्डर की नाप करेंगे। तो वहां पर हमने गले के हिसाब से हमने 14 इंच था तो 2 इंच कम कर दिया, 12 इंच, 12 इंच का एक भाग 6 इंच। अब यहां पर थोड़ा सा 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहां पर हम आर्म होल को 32 चेस्ट के लिए 5 इंच झुकाते हैं, लेकिन हम यहां पर 5.5 इंच झुकाएंगे। यहां से 1 इंच लेते हुए हम आर्म होल का शेप देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
अब इसको अलग कर लेते हैं। अब ये हमारा ये छोटा वाला पीछे का पल्ला है, आगे पल्ले को हमने बराबर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि सिलाई मार्जिन लेते हुए 15 इंच लंबाई है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, 16.5 इंच, तो कपड़ा हमारा बराबर है। अब यहाँ से 3 इंच, अब गले की गहराई हम 6.5 इंच पर देंगे सिलाई मार्जिन लेते हुए। अब यहीं से हम गले का शेप देंगे। ये बन गया हमारा गले का शेप। अब हम 12.5 इंच पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहां से 1 इंच ऊपर लेते हुए हम बेल्ट का शेप देंगे। अब यहां से 1/2 इंच हम आर्म होल में गहराई देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब ये हमारा कटिंग हो गया है, ये कटिंग हम अभी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसको इस तरह रखकर हम निकाल लेंगे। तो हम इतना कपड़ा सीधे में निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं सिलाई मशीन पर, इसको हम सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई किस तरह होगी। यहाँ पर हम अब सिलाई लगाएंगे, तो देखिए पिन को हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जैसे हमने बताया था उतना ही कपड़े को लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे, गले के सेंटर को बराबर से रखना है, कोई भी सेंटर आपको आगे पीछे नहीं करना है, इस तरह गले में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए, सिलाई लगाने के बाद हमारा जो गला है छोटा हो गया है। अब ये रहा अस्तर का कपड़ा, तो इसको हम बराबर लेते हुए बीच में कट का निशान लगाएंगे। कट का निशान लगाने के बाद ब्लाउज के ऊपर रखते हुए सेंटर मिलाते हुए हम चारों तरफ से पिनअप कर लेंगे। सेंटर आपको बराबर से मिलाना है। अब हम गले के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपकी एक जैसी होनी चाहिए, कहीं से छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने गले की साइड में सिलाई लगा लिया है, पिन को निकाल लेते हैं। अब हम नीचे की साइड में भी एक बराबर से सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम छाटेंगे एक बराबर से, गले के सेंटर को भी एक बराबर से छाटना है। अब यहाँ पर गले के सेंटर में छोटे छोटे कट लगाना है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे पलटकर। तो यहाँ पर ब्लाउज हमारा सीधा हो गया है, गले के नेक पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद चारों तरफ से कपड़े को अच्छे से बराबर से मिलाते हुए आपको सिलाई करना है। अगर इस तरह आप कपड़े को चारों तरफ से मिलाकर अच्छे से सिलाई लगाएंगे तो आपके ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम एक बराबर से कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा पीछे का पल्ला, जो हमारा बड़ा गला होता है, वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ आगे के पार्ट की हमने सिलाई कर ली है, तो यहाँ पर हम मुड्ढे में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने बड़े गले को बनाना बताया है आपको। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।